साईयो। जब मेरी उपलब्धियों के समारोह का दिन था, गौरव समारोह के दिन कालिक पोतिस ने मेरे नाम और काम पर मेरे सब्र की सीमा समाप्त हो गई है। जीवन का सबसे बड़ा दिन भी बर्बाद कर दिया। जो लोग मुझसे नजर नहीं मिला सकते थे, वो मुझ पर तरस खा रहे थे सिर्फ तेरे कारण। जितने ज्यादा दिन तू उस घर में रहेगा, उतने ही ज्यादा दिन मुझे अपनी बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी। तुझे अब मैं इस घर में नहीं रहने दे सकता हूं। चल निकल जा यहां से। बच्चा है, थोड़ा तो रहम कीजिए उस पर, नहीं तो कम से कम मुझ पर रहम कीजिए। उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। एक माँ को अपने बच्चे से अलग करने का पाप मत कीजिए। अगर आपने इसे निकाल दिया तो मैं नहीं रह पाऊंगी इसके बिना। सही कहा तुमने, बेटा सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करती हूँ बाबा से। नहीं रह सकती हो ना इसके बिना, तो तुम भी निकल जाओ इस घर से। बहुत पहले ही मुझे ये कर देना चाहिए था। ये नालायक लड़का तुमने दिया है ना मुझे, तुम्हारे ही लाड़ ने बिगाड़ा है इसे। तुम्हारे ही लाड़ के कारण इसे मेरे गौरव समारोह में आने और मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत मिली। जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम भी हो, इसलिए इसके साथ तुम भी निकलो यहां से। ऐसा मत कीजिए। चुप। योजना है सरकार? वल्लभ की दुर्बलता है उसका दम, उसका अहंकार। अपने बेटे के कारण लज्जित होने पर उसने जिस तरह प्रतिक्रिया की, साफ है वो अपमान सह नहीं सकता। अब मैं उसे ऐसे अपमानित करूंगा कि गांव में मुंह छुपाने के लिए उसे कोई जगह नहीं मिलेगी और गांव छोड़कर भाग जाएगा। बस मुझे एक अवसर चाहिए,
तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। हरिओम। क्या बात है साईं? केशव, जब पिता अपने पुत्र का नजरिया नहीं समझ पाता है तो उस बेचारे पुत्र पर क्या बीतती है ये तुम अच्छे से जानते हो ना? जी साईं। एक और पिता है जो गर्व से अंधा हो रहा है। उसका अभिमान उसे उसके बेटे से अलग कर रहा है। आप बल्लभ जी की बात कर रहे हैं ना साईं? मुझे भी बहुत बुरा लगा जानकर। उज्ज्वल के दुख को मैं समझ सकता हूं। क्योंकि मैंने भी वही दुख भोगा है। पहले तो पिताजी ने मुझे आवासीय विद्यालय और फिर लंदन भेज दिया था। केशव, क्या तुम उज्ज्वल का दर्द खत्म करने में मेरी मदद करोगे? हाँ साईं, मेरा सौभाग्य होगा जो किसी बच्चे को ऐसे दुख से मैं बचा सकूं। बताइए ना साईं, क्या करना है मुझे? कल तुम्हें एक तख्ती और खड़ी लेकर आना है। क्यों नहीं साईं, पर इससे उज्ज्वल की मदद कैसे होगी? कभी कभी छोटी सी मदद भी निर्णायक सिद्ध हो सकती है। ठीक है साईं, मैं सुबह ही ले आऊंगा। लेकिन उसमें आप कुछ लिखने वाले हैं क्या? लिखते तो राम जी हैं, मैं बस इतना कर सकता हूं कि उनका संदेश सही जगह पहुंच जाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.